स्वागत है आपका हवालात में। जांजगीर में 6 हथियारबंद डकैतों ने व्यापारी के घर को निशाना बनाया। इस सनसनीखेज वारदात ने इलाके में दहशत फैलाकर रख दी है। पुलिस को अभी तक डकैतों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। किराना व्यापारी के घर डकैती, 6 हथियारबंद बदमाशों ने लूटा 1.5 लाख रुपए लेकर हुए फरार। पुलिस को नहीं मिला लुटेरों का सुराग। जांजगीर चांपा के सख्ती थाना इलाके में 6 हथियार बंद डकैतों ने 1.5 लाख रुपए की डकैती को अंजाम दिया। पोरथा गांव में हुई इस सनसनीखेज वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी। डकैत देर रात करीब 2:30 बजे घर में घुसे थे। पुलिस ने केस की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक डकैतों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। ये बीती रात दिनांक 30/3/2018 की दरमियानी रात्रि लगभग 2 बजे से 2:30 बजे के दौरान ग्राम पोरथा मेन रोड निवासी संजय अग्रवाल पिता राजकुमार अग्रवाल के घर दाहिनी ओर के बाउंड्री वाल को फांद करके कुछ अज्ञात व्यक्ति प्रवेश किए हैं और उनके द्वारा पीछे के दरवाजे को खोल करके मौके पर अंदर सो रहे लोगों से बलात् पैसे की मांग की गई और उन व्यक्तियों में से 2 के पास कट्टानुमा हथियार होना बताया गया है और साथ ही एक व्यक्ति के पास तलवार नुमा चाकू होना भी बताया गया है और इस हथियार के नोक पर उन्होंने पीड़ित पक्ष से लगभग 1.5 लाख रुपए के रकम को प्राप्त किया और जिस ओर से आए थे उसी ओर से बाउंड्री भाग फांद करके हुए अंधेरे में मौके पर भाग खड़े हुए। इसकी सूचना पुलिस को 4 बजे मिली। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है और विभिन्न पार्टियां हमने रवाना कर दी है। साथ ही लगभग आधा दर्जन संदेहियों को हमने अपने घेरे में लिया। सक्ती थाना इलाके में दर्ज हुई एफआईआर के मुताबिक किराना व्यापारी संजय अग्रवाल अपने घर में सो रहे थे, तभी अचानक रात करीब 2:30 बजे धारदार हथियार और बंदूकों से लैस 6 नकाबपोश बदमाश पीछे का दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हो गए। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर रुपयों की मांग की, जिससे घबराकर संजय के पिता राजू अग्रवाल ने घर में रखे 1.5 लाख रुपए डकैतों के हवाले कर दिए। इसके बाद बदमाश फरार हो गए। बिना नकाब वाले का चेहरा काला कलर का था, लाल टी शर्ट पहना था और उसकी मोटी मोटी मूछें थी। उन सबके पास हथियारे थे, तलवार थे, किसी पास चप्पू था और किसी पास गन था। दोनों के पास काला गन पाया गया था, इसके पास काला गन पाया गया था। वो मैं कटपट्टी में बंदूक रख के मेरे पापा से पैसे डिमांड करते हैं। मेरे पापा लगभग 50,000 की 2 गन्नियां और उनको 2,500 की कुछ। इस सनसनीखेज डकैती की सूचना मिलने के बाद तुरंत ही पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने मौका वारदात पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से बारीकी से जांच शुरू कर दी, लेकिन अभी तक डकैतों का सुराग नहीं मिल पाया है। और पूछताछ की प्रक्रिया जारी है। पुलिस अधीक्षक मैडम ने भी मौके का मुआयना कर कैंप किया है और आवश्यक निर्देश दिए हैं। मौके पर 2 लाइव राउंड बरामद हुए हैं, किंतु उसमें से एक संभवतः जो है वह फेक राउंड या मिस राउंड जैसा प्रतीत हो रहा है। उसको भी हम अभी परीक्षण के लिए भेज रहे हैं। एक राउंड जो है वो 315 बोर के कट्टे का प्रतीत होता है और दूसरा राउंड लगभग .32 कैलिबर का छोटा कारतूस प्रतीत होता है। हाँ, इसमें डॉग स्क्वाड की मदद ली गई थी। डॉग स्क्वाड आया है। डॉग स्क्वाड के द्वारा मौके का पूरा देख रेख कर डॉग से भ्रमण कराया गया। कुछ आवश्यक क्लू मिले हैं जिनके हम तस्दीक कर रहे हैं। इसके अलावा जेल से छूटे हुए आरोपियों और अन्य जमानत पर छूटे हुए इस तरह के पुराने संपत्ति संबंधी अपराधियों पर भी हम कड़ी निगाह रख रहे हैं। हालांकि जांच कर रही पुलिस टीम को डॉग स्क्वाड से कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द से जल्द डकैत गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जांजगीर चांपा से स्वराज संवाददाता रवि गोयल की रिपोर्ट। इंदौर में